नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं एक सुंदर डोर यानी दरवाज़ा। दरवाज़ा की जो बनावट है बहुत ही सुंदर है, और इसकी जो बनावट है बहुत ही एक अलग तरीके से बनाया गया है और बहुत ही सुंदर का मतलब होता है इसकी जो बनावट होती है कचरा कुचरी नहीं। और जो ये डिज़ाइन बनाया गया बर्फ़ी का डिज़ाइन है, और इसकी जो पाइप में बनाया गया है और सीट में बनाया गया है, ये देखिए ये हैंडराप है। हैंडराप के ऊपर जो हैंडल लगाया गया है इसमें भी देखिए डिजाइन बनाया गया है। और आइए नीचे की तरफ, और यहाँ पर भी देखिए इसका जो पाइप का बॉर्डर है ये बॉर्डर बनाया गया है, 1 इंच के पाइप में बनाया गया है। और इसके जो बीच का बॉर्डर है ये 1.5 इंच के पाइप में बनाया गया है, 1.5x1 में। तो जो इसकी एक अलग रूपरेखा है जो बहुत ही सुंदर होता है। और यहाँ पे देखिए ये किस तरह से दरवाजे का सिस्टम दिखा रहे हैं दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा है पीछे का सीन, ये पीछे के दरवाजे का पीछे का सीन है। इसी प्रकार से हम आपको सामने का दिखाएंगे, देखिए बाहर की सीन देखिए, और देखिए कितना चमक रहा है, कितना शाइनिंग है, कितना बेहतरीन बनाया गया है। तो दोस्तों आपको अगर ये दरवाज़ा आपको बनवाना है तो इस तरीके से बनवाइए, अच्छा लगे तो एक लाइक करिए, इनका इशारा ही एक लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है एक लाइक कर दो भाई दोस्तों, एक लाइक तो आपके लिए बनता है, आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। इसके नीचे का हैंडपम्प देखिए, ये छत होता है, छत के नीचे जो रूम में हैंडपम्प लगाया जाता है, यहाँ पे देखिए जाली छूटा हुआ है, जाली को काट के निकाल दिया जाएगा। और जो नीचे कभी हैंडपम्प खोलना हो तो ये दरवाज़ा खोल के और आप निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से ये ढक्कन एक तरह से मानिए छत का ढक्कन, और इस तरीके से इसको खोल करके ये हैंडपम्प आसानी से खोल के निकाल सकते हैं। ये जो सरिया देख रहे हैं ये सरिया काट दिया जाएगा, ये देखिए यहाँ पे हैंडपम्प दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगर ये आपके पास इस तरह का हैंडपम्प छत के नीचे हो तो आप इस तरह से बनवा सकते हैं दोस्तों। हम आपको देखिए यहाँ पे लॉकिंग किया है लॉक, इसके ऊपर से टाइल्स लगेगा, ये जो दिखाई दे रहा है ये एक बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है इस दरवाजे के लिए, इस डिज़ाइन के लिए। डिज़ाइन आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।